ये पावन धाम बाबा भर्तृहरि महाराज तपोभूमि, सभी भक्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम भर्तृहरि बाबा के दरबार में आए हैं और ये अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ पर मेला चल रहा है, बहुत लोग जनसंख्या यहाँ पर आने लग रही है, बाबा की श्रद्धा इसलिए यहाँ पर आने लग रही है। यहाँ से जैसे जाएंगे तो भर्तृहरि बाबा का जो मंदिर है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, और हमारे यशवंत भी बहुत दूर से आए हैं, गंगापुर सिटी से हमारे पास आए हैं। बोला था इन्होंने कि सर हमें भर्तृहरि जी को देखना है। भर्तृहरि बाबा का मंदिर अलवर में स्थित है, आप ये सब जानते हो, लेकिन जो भर्तृहरि बाबा है वो उज्जैन उज्जैन के रहने वाले थे, उज्जैन नगरी के। उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके सरिस्का अलवर के जंगलों में तपस्या की, यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है। और उनकी एक रानी भी थी, उसका नाम था पिंगला, और भर्तृहरि बाबा के गुरु का नाम है गोरखनाथ। और यहाँ पर आपको थोड़ी आगे चल करके हम मेन मंदिर दिखाने वाले हैं। दोस्तों हम भर्तृहरि बाबा के मंदिर पर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर आपको पूरी भर्तृहरि बाबा की मूर्ति भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर क्या क्या होता है वो भी दिखाएंगे, जो जगह अच्छी अच्छी जगह उनको भी दिखाने वाले हैं। ये जो मंदिर है ये मेन मंदिर है, यहाँ पर भर्तृहरि बाबा विराजमान है। अगर भीतर से अनुमति होगी तो हम आपको जरूर भीतर से भी दिखाने करेंगे। इनके हाथ में है वो है जोगिया सारंगी, आपने पढ़ा जोगिया सारंगी का प्रयोग भर्तृहरि के मेले में किया जाता है, वहाँ तो आज आप देख रहे हैं सामने दिखाई सामने। और ये इनके हाथ में एक चिंता है, डपरी है, यहाँ पर क्या भरत महाराज के वो चल रहे भजन गाए जा रहे हैं और आप देख नहीं रहे सब। सामने भरत बाबा का मेन मंदिर है। साथियों ये है अमर गंगा जो कि पहाड़ों से निकल रही है और पानी आ रहा है स्पीड में बहुत ही, और इस पानी में स्नान करने से शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। ये है अमर गंगा। यहाँ पर ये भर्तृहरि बाबा का जो मंदिर है ये मेन मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भीड़ के होने की वजह से, पुलिस वालों की वजह की होने से यहाँ पर भीतर हम शूट नहीं कर पाए, भर्तृहरि बाबा का फोटो लगा दिया है। पहाड़ों में से ये पानी आ रहा है, इसमें नहाने से शरीर में जो भी रोग होते हैं वो साफ हो जाते हैं, क्लियर देख सकते हैं आप। बाबा भी नहा रहे हैं यहाँ पर, बरसात के कारण बहुत तेज गति से चलता रहता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मोरी सी चलने लग रही है, ये पहाड़ों से जो झरना है वहां से निकल निकल के आने लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बाकी नंगे पैर चलने लग रहे हैं यशवंत और बलवंत भी यहाँ पर चलने लग रहे हैं दोनों भाई। बाकी आप लोग यहाँ पर आए हैं या कभी नहीं आए उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। गाइज यहाँ से जो पानी आ रहा है पहाड़ों के जरिए, इसमें हम चलने लग रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से जिस रिस के पानी आने लग रहा है। आज हम भर्तृहरि बाबा के दरबार में आए हुए हैं, यहाँ पर जितने भी मंदिर जो भी धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर सारे के सारे हमने देखे हैं। अब हमारे यहाँ पे बाबा हैं, इनसे भर्तृहरि बाबा के बारे में जो भी जानकारी है, भर्तृहरि बाबा यहाँ पर कैसे आए थे, उससे पहले वो क्या क्या करते थे, उनके गुरु कौन थे, सब कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं और डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम, आपको जय श्री राम। जय श्री राम। ये बाबा भर्तृहरि धाम पावन भूमि है। जी जी जी, ये तपोभूमि है बाबा भर्तृहरि धाम की, और बाबा भर्तृहरि जी महाराज के गुरु जी बाबा गोरखनाथ जी हुए थे, उनके गुरु जी बाबा बचंद्रनाथ जी हुए थे, उनके गुरु जी दादा दत्तात्रेय जी थे। और ये कई सालों से चले आ रही है हमारी सनातन धर्म भूमि है, ये तपोभूमि है। यहाँ पर भक्तों को आने में बड़ा अच्छा पुण्य प्राप्त होता है और बाबा के दर्शन भी होते हैं, और कृपा है बाबा भर्तृहरि महाराज की, और हमेशा कृपा भक्तों के ऊपर बनी रहती है। ये नाथ संप्रदाय में गुरु महाराज गोरखनाथ जी भर्तृहरिनाथ जी ने एक नाम कमाया है और नाथों की लीला अपरंपार है, और आज जी आज भी नाथ जी की माया अपरंपार है, पाने वालों को खूब पाई है, लेकिन पाने वाला कोई होना चाहिए पात्र, नाथों की लीला का किसी ने पार नहीं पाया। ये गुरु महाराज का पावन धाम है, इसमें सभी नाथों को सभी संतों को गुरु भक्तों को बाबा भर्तृहरि धाम को मैं सत्सत नमन करता हूँ। नाथ तो शुद्धों को आदे सारे बाबा यहाँ पर आने से पहले क्या किया करते थे और कहाँ पर रहा करते थे पता है? ये बाबा उज्जैन नगरी महाराजा थे, बाबा भर्तृहरि उज्जैन नगरी के राजा थे। गोरखनाथ जी की माया थी तो इनको योग लिखा था, इनके पति भाई लिखी थी, यहाँ करके इन्होंने दुना तपा
तपोभूमि बाबा की आज भी मौजूद है वो हमारे बीच में, लेकिन हम पहचान नहीं कर सकते कहाँ है वो, है आज भी। इनका भी परिवार भी होगा इनका जो वहाँ पे, हाँ कौन कौन सदस्य थे इनके, भाई था विक्रम और पिंगला थी, रानी थी, रानी थी पिंगला इनकी। ये पावन धाम बाबा भर्तृहरि महाराज तपोभूमि में आप सभी भक्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं, जो आपने आकर के बाबा के चरणों में ढोक लगाई है और आप इतनी दूर से कठिन तपस्या कर करके भी बाबा के चरणों में आए हो। हम सभी भक्तों के लिए ये दुआएं करते हैं कि आप सभी की बाबा भर्तृहरिनाथ मनोकामना को पूर्ण करें, ये हमारा तहे दिल से दुआ है, आशीर्वाद है। सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें, सनातन धर्म आधार है और सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो।